गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त अनुज और आप देख रहे हैं अनुज दी क्रिएटर। तो मैं आपको दिखा रहा हूं अयोध्या जंक्शन श्री राम जन्मभूमि की नगरी। मैं दिखा रहा हूं आपको, ये है अयोध्या जंक्शन का गेट, वहां पे है सुलभ शौचालय और यहां पे बोर्ड लगा हुआ है। बाकी सब बारीकी से इसमें देख सकते हैं कि कहाँ क्या क्या है। ये लुक है अयोध्या जंक्शन का, जो कि बहुत ही तगड़ लग रहा है। और वहाँ पे बीच में आप देख सकते हैं श्री राम, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान और बाकी सब की चित्र बनी हुई है। और यहाँ पे सबसे बड़ा बनने वाला है प्लेटफॉर्म, देख सकते हैं वहाँ पे जो बिल्डिंग बन रही है वो सब इसी स्टेशन को जोड़ती है, जो कि अयोध्या जंक्शन को जोड़ती है। यहाँ पे आपको देखने को पास में मिल जाता है टैक्सी स्टैंड और सामने ही देखने को मिल जाता है पैदल पुल। आप बाहर और अंदर दोनों उससे जा सकते हैं, आपको बोर्ड साफ साफ नज़र आ रहा है। और मैं आपको दिखा देता हूँ टिकट काउंटर कहाँ पे है। टिकट काउंटर आपको वहाँ देखने को मिल जाता है, वो दिख रहा है, थोड़ा पास और चलता हूँ। और टिकट काउंटर आपको वहाँ देखने को मिल जाता है जहाँ से आप रिजर्वेशन और बाकी सब चीज़ें करवा सकते हैं। वहाँ पर देखिए लोग बैठे हैं, इसलिए बार बार जूमिंग कर रहा हूँ कि आपको दिखा दूँ। तो यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं और यहाँ से ये है एंट्री गेट। और एंट्री गेट पे देख लीजिए काफ़ी लोग भीड़ में हैं। और यहाँ से आपको टैक्सी मिल जाती है, आपको कहीं भी जाना हो हनुमान गढ़ी और अदर जगह पे, तो आप यहाँ से टैक्सी करके जा सकते हैं। और ये है हमारा गेट और मैं बाकी सब चीज़ें आपको अभी बाद में बताता हूँ। ये आप सब देख सकते हैं, अभी हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे चल रहे हैं। ये सेकंड रूट है, मैं मेन गेट से नहीं आ रहा हूँ, ये दूसरा रूट है। आप यहाँ से आराम से बचते बचाते आ सकते हैं। और टाइम हो रहा है 8:32, देख सकते हैं ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 कुछ ऐसा दिखता है। और यहाँ से ओवरब्रिज पकड़ के आप जा सकते हैं उधर, यानी कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पे। तो अयोध्या जंक्शन पे टोटल 3 प्लेटफॉर्म नंबर आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि हर प्लेटफॉर्म पे आपको एक कैंटीन टाइप की एक चाय की टपरी अपनी देखने को मिल जाती है। और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलती है क्योंकि मेन प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पे देख सकते हैं श्रद्धालु बैठे हुए हैं, जिनको जहाँ जाना है सब अपने इंतज़ार में बैठे हुए हैं ट्रेन में। चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पे और दिखाते हैं आपको कैसा है प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3। और यहाँ से इस ओवरब्रिज से आप जा सकते हैं। और वो जो सीढ़ी दिख रही है वो बाहर के लोगों के लिए है, क्योंकि डायरेक्ट अगर बाहर से आप आते हैं तो उस सीढ़ी से आप आ सकते हैं, और अंदर से हैं तो इसी सीढ़ी से चलिए। और इस सीढ़ी से चल के आप प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर जा सकते हैं। और अभी प्लेटफॉर्म नंबर 4 नहीं बना है, जहाँ तक मुझे लगता है हो सकता है फ्यूचर में बने, तो अभी कोई मैं बता नहीं सकता कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 बनेगा नहीं। तो अभी टाइम हो रहा है 9:05 और हम लोग अभी ओवरब्रिज में हैं। और ओवरब्रिज से लुक देख लो भाई, क्या दगड़ लुक है यार, व्यू देख रहे हो भाई भाई भाई। और यहाँ पे कुछ लोग वेट कर रहे हैं अपने ट्रेन्स का। और यहाँ पे एक ट्रेन लगी हुई है जिसमें कोयले भरे हुए हैं। और हमारी अगर प्रीवियस वीडियो तुमने नहीं देखी है तो देख लेना जाके, कोलकाता से अयोध्या पूरा सफ़र है, पूरा मतलब रात दिन जो कुछ भी है, दिन जितना है टाइम उतना सब कुछ मैंने उसमें बताया। तो अभी आप सब देख सकते हैं मैं आ गया हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 2 और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। वो देखिए सामने ही आपको एक कैंटीन छोटा सा दिखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको एक देखने को मिल जाता है वाटर टैंक, जिसे आप पानी ले सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे बंदर हैं। अब भाई अयोध्या हनुमान जी और रामनगर की नगरी है तो बंदर तो जायज है। और ये दूसरा ब्रिज, जो कि बाहर से आप आते हैं तब एंट्री लेते हैं। हे गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, क्योंकि मैं ऐसे ब्लॉग आपको देता रहूँगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए जय श्री राम।